दोस्तों मारुति एस्प्रेसो का नया सीएनजी वेरिएंट जल्द होने वाला है लॉन्च। देगा 33 केएमपीएल का माइलेज, कीमत भी होगी काफी कम। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों अभी तक आपने हमारे न्यूज एंड हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये लाल बटन दबा के चैनल को कर लीजिए जल्दी से सब्सक्राइब। और साथ में दोस्तों जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और बेल आइकन को नहीं दबा रखा तो साइड में बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, सबसे ऊपर वाले ऑल ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए और चैनल की नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आप सभी को हमारी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। जैसे कि दोस्तों देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने बीते त्योहारिक सीजन के दौरान बाजार में एक नई सेगमेंट की शुरुआत करी थी, अपनी मिनी एसयूवी एस्प्रेसो को लॉन्च किया था। कंपनी ने इसकी शुरुआती कीमत दोस्तों मात्र 3.40 लाख रुपीस रखी थी। कम कीमत और खास लुक के चलते ये एसयूवी खासी लोकप्रिय हो गई है। अब कंपनी इस एसयूवी को नए मतलब सीएनजी वेरिएंट के साथ भी बाजार में उतारने वाली है। तो जैसे कि दोस्तों हाल ही में इसके सीएनजी वेरिएंट को टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है। बीते अक्टूबर महीने में कंपनी ने एस्प्रेसो के 10,632 यूनिट की बिक्री करी थी। मारुति सुजुकी ने हाल ही में ये घोषणा की थी कि कंपनी भविष्य में छोटी डीजल इंजन का कारों का प्रोडक्शन अब बंद कर देगी। इसके बजाय कंपनी अपने कारों में सीएनजी वेरिएंट पर ज्यादा फोकस करेगी। दोस्तों फीचर्स की बात करें तो इस कार में आपको ईबीडी के साथ एबीएस और रिवर्स पार्किंग सेंसर, सीट बेल्ट रिमाइंडर, हाई स्पीड वार्निंग जैसे कमाल के सेफ्टी फीचर्स का भी इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि कंपनी इसमें भी आपको 1.0 लीटर का क्षमता वाला सीएनजी इंजन का प्रयोग करेगी जो कि वैगनर और ऑल्टो में देखने को मिला था। इंजन दोस्तों आपको 58.3 bhp की पावर और 78 न्यूटन मीटर के टॉर्क पर जनरेट कर पाने में सक्षम हो। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि कंपनी ये भी दावा कर रही है कि सीएनजी मॉडलों का 33 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज आप सभी को प्रदान आराम से कर सकता है। दोस्तों कीमत और लॉन्चिंग की बात करी जाए तो लेकिन इसकी कीमत मौजूदा मॉडल के मुकाबले आप सभी को 15,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए महंगी पड़ सकती है, क्योंकि सामान्य तौर पर पेट्रोल और सीएनजी मॉडल के बीच इतना तो अंतर देखने को मिलता ही है। तो दोस्तों इसकी स्टार्टिंग कीमत 3.70 लाख रुपीस के आसपास रखी जाएगी। और लॉन्चिंग की बात करें तो दोस्तों भारतीय बाजार में ये कार भी आप सभी के लिए फैब में सीएनजी वेरिएंट में उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो दोस्तों ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि हमारी एस्प्रेसो को भी सीएनजी वेरिएंट में वो भी कंपनी फिटिंग के साथ आप सभी के लिए हाजिर किया जा रहा है। तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और दोस्तों वीडियो को बिना लाइक करें बिल्कुल मत जाइएगा। मिलेंगे दोस्तों हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।